चलिए, हमारे साथ हमारे एक मेहमान स्टूडियो में जुड़ गए हैं, शंकर गौरा जी भाजपा से आए हैं। शंकर जी, एक तो बधाई शुभकामनाएं आपको, जनता ने आपको इतना अच्छा फैसला सुनाया है। दूसरा भी आपने सुना होगा, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ईवीएम के कारण आपको इतना प्रचंड बहुमत मिल रहा है। देखिए, पहले तो आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, और मैं धन्यवाद राजस्थान की पूरी जनता का भी करना चाहूँगा और देश की जनता का भी करना चाहूँगा। दूसरी तरफ ईवीएम का सवाल तो आपको खुद को ज्ञात होगा और पूरे देश भर को ज्ञात है। जब ये 3 राज्यों में चुनाव जीते, उपचुनाव जब इन्होंने जीते, जब ईवीएम में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं आई, और अभी इनको पता है ये सिर्फ राहुल गांधी को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि राहुल गांधी बुरी तरह पूरे देश भर में फेल हो चुके हैं। उनका जो झूठ था वो जनता ने पहचान लिया। जिस प्रकार से खुले मंचों पे झूठ बोलते थे, और जिस प्रकार से देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया, विकास के मुद्दे को लेके जिस प्रकार डबल इंजन की सरकार चलती रही, और इन्होंने पहले प्रदेश में भी झूठे वादे करके सरकार में आए थे, और ये सब चीज़ों को जहाँ पर इनके पक्ष में फैसला होता है वो चीज़ सही है, और जब इनके पक्ष में फैसला नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट भी गलत है, सीबीआई भी गलत है, ईडी भी गलत है, इलेक्शन कमीशन भी गलत है। तो ये इनके बात इतनी सी है कि जो भी काम इनके मन मुताबिक होता है जब तो सब चीज़ें सही है, और अगर नतीजे इनके विपक्ष में जाते हैं तो वो चीज़ गलत है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये देश के करोड़ों उन मतदाताओं का अपमान है जिन्होंने एक विश्वास के साथ से में फिर से मोदी सरकार को चुना है। उनको पता है कि देश सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। 2004 से 14 के काल में इनको भी मौका देश की जनता ने दिया था, मगर हजारों जगह, सैकड़ों जगह बम धमाके हुए, सैकड़ों लोग मारे गए, अनेकों भ्रष्टाचार। कभी भी अखबार पढ़ते थे तो एक ही चीज आती थी, आज इतना करोड़ का घोटाला हुआ। सिर्फ घोटालों का कंपटीशन इनकी सरकार में चलता रहा। दूसरी तरफ परिवारवाद को भी देश की जनता ने नकारा है, और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया, मैं आपको बताना चाहूंगा आज देश का एक एक नागरिक बहुत समझदार है। एक समय था जब हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ रशिया खड़ा था, आज का समय है चाइना को छोड़ के पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो गरीब को गणेश मान के काम नरेंद्र मोदी जी सरकार ने किया है, उसी का परिणाम आज पूरे देश भर में वापस नरेंद्र मोदी जी चुने जा रहे हैं। हमेशा होता क्या था, एंटी इनकम्बेंसी का चुनाव होता था, पर इस बार प्रो इनकम्बेंसी का चुनाव हुआ है, और फिर से पूरे देश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुना है, और देश की जनता नकार चुकी है इनको। ये कह लोगों को उकसाने का काम जब एग्जिट पोल आए थे तो इन्होंने किया था, बड़े बड़े मंचों पर इन्होंने कहीं किसी ने बंदूक हाथ में उठा के कहा था कि मैं इन परिणामों को नहीं मानूंगा ये ऐसे जी। तो देश की जनता ने इनको नकार दिया है। ये कुछ इनके कार्यकर्ता कहीं धरने पर बैठे हैं वो सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी जी की विरासत को कैसे भी बचाए जी। चलिए, एक बार मैं अपने दर्शकों को अपडेट कर दूं, 349 सीटों पर एनडीए ने बढ़त बना रखी है, यूपीए मात्र 92 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, वहीं 101 सीटों पर अन्य आगे हैं। तो बहुत बड़ा, जो मेरे को लगता है एग्जिट पोल संयोग आप कह ही रहे थे कि एग्जिट पोल से भी ज्यादा ये तो जो रुझान है और जो सीटें हैं वो मोदी जी के। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है राखी जी, जो 350 सीटें जिसके पर एनडीए आगे चल रही है जी, उसको अगर हम बाइफरकेट करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 280 या 285 सीटों के ऊपर चल रही है। मतलब ये देखिए कि पिछली बार का जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला था उससे बराबर या उससे भी ज्यादा जनादेश उनको मिलने जा रहा है। अभी जिस तरह से शंकर जी बोल रहे थे कि ये एंटी इनकम्पेंसी नहीं है, प्रो इनकम्पेंसी है, इससे हम अब इस बात को कतई नहीं निकाल सकते कि जो भी जुमले पिछले 5 साल के अंदर चले हिंदुस्तान के अंदर, जनता ने उसको जरा भी तवज्जो नहीं दी है, और ये बता दिया है कि जनता नरेंद्र मोदी के पूरी तरह से साथ में है। अब आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए तो काम करने के लिए है, पर अब कांग्रेस के लिए यह है कि वो किस तरीके से अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश करेगी, कैसे वापस मुख्यधारा में लाने की कोशिश करेगी, ढांचों में कितना बदलाव करेगी। जैसे हमारे साथ हमारे अभी कुछ कांग्रेस के सहयोगी भी बैठे हुए थे, हम जानते हैं उनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं, वो खुलकर के नहीं बोल सकते, पर कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के जहन में ये बात है कि कहीं ना कहीं बड़ा आमूलचूल परिवर्तन कांग्रेस के अंदर होना चाहिए।
जी चलिए मैं अपने दर्शकों को अपडेट कर दूं एक बार, जयपुर ग्रामीण से राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जीत दर्ज कर ली है और वो काफी समय से लीड में थे और मेरे को लगता है अभी आंकड़े तो खैर हमारे पास नहीं आए, 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से वो चुनाव जीता है उन्होंने। लखनऊ से राजनाथ सिंह ने भी जो जीत है वो दर्ज कर ली है। वायनाड से राहुल गांधी जीत चुके हैं, हालांकि अमेठी में अभी तक भी पेच फंसा हुआ है। शंकर गौरा जी ये बताएं, बहुत अच्छा आपको जनता ने हाथों हाथ लिया है, इतना अच्छा आपको मैंडेट दिया है, जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आपके कंधों पे आप बहुत ज्यादा है, क्या कहते हैं? देखिए प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि पहले की सरकार में उन्होंने जो काम किया उससे दुगनी रफ्तार से अब काम करेंगे। जिस प्रकार से पहले कांग्रेस के समय में अनेक खड्डे खुदे हुए थे उनको भरने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया था, जिस प्रकार से सड़कों का डेवलपमेंट मान लीजिए, गरीबों के लिए पक्के मकान, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में ऐसा कोई भी गरीब नहीं होगा आने वाले 5 सालों में जिसके पास खुद का मकान नहीं होगा। तो ऐसे अनेक मूलभूत सुविधाओं को आप देखिए, शौचालय जैसी एक पहल जिसको कभी किसी सरकार ने नहीं सोचा कि जो ग्रामीण परिवेश की माँ बहन खुले में सोच जाती थी तो उनको उसको कितनी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती थी, जिस प्रकार से शौचालय बनाए, जिस प्रकार से एक गरीब महिला को गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराया, ऐसे अनेक जो गरीबों के जो विकास के काम थे जिससे मूलभूत आवश्यकताएं थी उनको पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। और हम मानते हैं कि जिस प्रकार से जनता ने हमें समर्थन दिया है, जिस प्रकार का हमारा जनादेश दिया है, उसको देखते हुए जिम्मेदारियां पिछली सरकार से भी ज्यादा इस बार बढ़ेगी तो निश्चित रूप से जनता का विश्वास। पर शंकर जी कहीं ना कहीं आप ये नहीं सोचते हैं, ठीक है जनादेश को कोई भी नकार नहीं सकता है, चाहे से वो हम हैं, चाहे से वो आप हैं, चाहे से कांग्रेस है, चाहे से कोई भी हो, पर हिंदुस्तान में कभी भी ये रिवायत नहीं रही कि फौज को खुद आकर के अपनी अपनी उपलब्धियां गिनानी पड़े या सुप्रीम कोर्ट के जजों को आकर के खुल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े या कुछ और ऐसे आरोप जो इस सरकार के ऊपर लगे जो कि हिंदुस्तान की जनता के लिए बड़े चौंकाने वाले थे। क्या लगता है आपको कि इस तरीके की अगर परिपाटी हिंदुस्तान में पड़ेगी या चलती रहेगी तो देश की तरक्की हो पाएगी या देश को कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय लॉबी के सामने नीचा देखने को मिलेगा? देखिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत 2 दिन बाद में कुछ बड़ा करने वाला है, इससे हमारी सेना का गुणगान हो रहा है। अगर सेना कोई काम कर रही है तो उसका गुणगान करने में कहां तकलीफ आ रही है, हमारे देश के सैनिक हमारी रक्षा के लिए कहीं खड़े हैं। आप देखिए जो भी काम किए देश की सेना ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, हमारा पायलट पाकिस्तान में गलती से चला गया था, उसको 24 घंटे में पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा है। तो ये सेना का जो गुणगान जो वैभव है जो हम उसको क्यों नहीं हम देश की जनता को बताएंगे। दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगा कि शर्मिंदगी तो उस समय थी जब हजारों सिक्कों को मार दिया गया और इनके सैम पित्रोदा जी कहते हैं हुआ तो हुआ, शर्मिंदगी उस समय थी जब आपातकाल लगा दिया गया देश में। तो मैं कहना चाहूंगा ये सिर्फ विपक्ष बौखला चुका है और ये मूल मुद्दे हमेशा आपने देखा होगा, हमने भी देखा है कि 2004 से 14 तक मूल मुद्दे थे, महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था और आतंकवाद का मुद्दा था, वो मुद्दे बिल्कुल खत्म हो गए। देश के विपक्षी दल सिर्फ देश की सेना पे सवाल उठाए, उनसे आपको सवाल पूछना चाहिए, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाए, एयर स्ट्राइक पे जब पाकिस्तान ने मान लिया कि हमारे देश में भारत की सेना हमारे देश में 80 किलोमीटर तक घुस गई है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक मिनट रोकना चाहूंगा मैं। एक बड़ी खबर हम राजस्थान से आ रही है कि कैलाश चौधरी का औपचारिक घोषणा कर दी गई है जीत की, बाड़मेर से, जैसलमेर बाड़मेर की जो सीट है, मानवेंद्र सिंह के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे थे, कैलाश चौधरी वहां के एक्स MLA रहे हैं, पचपदरा वहां विधानसभा सीट है बाड़मेर के अंदर, वहां पर वो पहले MLA थे, मदन प्रजापति इस चुनाव के अंदर वहां पर MLA बने और कैलाश चौधरी को भी काफी लास्ट मोमेंट के ऊपर टिकट दिया गया था। IPS थे, मेरा नाम एकदम से सामने नहीं आ पा रहा है उनका, उनको रिटायर करा करके उनको वो VRS दिला करके उनको चुनाव लड़ाया गया, काफी कांटे की टक्कर मानी जा रही थी राखी यहाँ पर भी, मानवेंद्र सिंह ये सीट भी वो थी जिसपे लग रहा था कि कांटे की टक्कर है, दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है और कांग्रेस शायद यहाँ पे लीड करके इस सीट को अपनी झोली में डाल इसका रीजन है राखी जी, इसका रीजन है कि जसवंत सिंह भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर लीडर रहे हैं, विदेश मंत्री रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के
उन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया, उनके सुपुत्र हैं मानवेंद्र सिंह, उनको यहां पर लाया गया चुनाव लड़ाने के लिए, बीजेपी को छोड़ करके उन्होंने यहां चुनाव लड़ा। वसुंधरा जी की सरकार में वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए थे, अब वो कांग्रेस में शामिल हुए, कांग्रेस में शामिल होकर के उन्होंने यहां पर चुनाव लड़ा। कर्नल सोनाराम को भी यहां पर उम्मीद थी कि उन्हें वापस कैंडिडेट बनाया जाएगा, पर उन्हें टिकट नहीं मिला, उन्होंने कुछ खिलाफत करने की कोशिश भी करी पर उनका कुछ ज्यादा दाव यहां पर नहीं चल पाया। तो कैलाश चौधरी के बीच में यहां पर बहुत कड़ी फाइट थी मानवेंद्र सिंह के बीच में, क्योंकि वहां पर गाजी फकीर जो कि एक बहुत बड़ा फकीर समुदाय, माइनॉरिटी समुदाय है, जिनके सुपुत्र अभी पोखरण से एमएलए भी हैं और मंत्री भी हैं साले मोहम्मद, वो पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ में थे, कांग्रेस के वो कैंडिडेट है। पर निश्चित तौर पर ये भी एक कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है मानवेंद्र सिंह का चुनाव हारना। चलिए अब एक बार आपको हम अलवर की तरफ लिए चलते हैं। बाबा बालकनाथ ने वहां से जीत दर्ज की है, जीत के बाद वो क्या कह रहे हैं, कैसे धन्यवाद दे रहे हैं कार्यकर्ताओं को, आपको सुनवाते हैं। अलवर की जनता ने विशेषकर मुझे ये आशीर्वाद दिया है। मुख्य रूप से अपेक्षा इतने मतों से जीत की थी, 3 लाख लगभग मतों से आपकी जीत बिल्कुल नहीं जा रही है। बिल्कुल थी और प्रमाण भी है, और बहुत से कार्यकर्ता भी हैं जिनको मैंने कहा था कि इतनी बड़ी जीत होगी। रामगढ़ के लिए मैंने, राजगढ़ के लिए विशेष तौर पर कहा था, और राजगढ़ की जनता ने वो आशीर्वाद दिया है और सभी क्षेत्र ने दिया है, और सारे क्षेत्र का 8 विधानसभा धन्यवाद के लिए तो शब्द भी नहीं हमारे पास में, पूरे कार्यकर्ताओं के पास नहीं कि इतना मैंडेट और आज पूरे देश ने दिया। संयुक्त बाय इलेक्शन में सीट कांग्रेस ने बहुत अच्छे मतों से अपने खाते में डाली थी, और मात्र मुझे लगता है बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ समय को, और बिल्कुल गवा दिए। जी बिल्कुल, ये बात कांग्रेस के लिए बहुत सोचने वाली है कि दोनों ही सीटें, अजमेर के बाय इलेक्शन के अंदर रघु शर्मा जीते थे, बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते थे, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की स्टेट के अंदर सरकार थी, हम भूल नहीं सकते हैं, वसुंधरा जी की सरकार पूरी बहुमत की सरकार थी और काफी अच्छी पकड़ मानी हुई थी। वसुंधरा जी ने वहां पे कैंप किया दोनों जगहों पर। अलवर के अंदर डॉक्टर करण यादव यहां पर चुनाव जीते बाय इलेक्शन के अंदर, काफी वरिष्ठ चिकित्सक हैं और काफी बड़ा नाम सभी समाजों में उनके अंदर है, और आज उनको हार का सामना करना पड़ा। करण सिंह यादव ने विधानसभा चुनाव के अंदर बहरोड से चुनाव हारे वो, और अब लोकसभा चुनाव था वहां पर भंवर जितेंद्र सिंह जो कि कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़ा नाम है राष्ट्रीय स्तर पर, राइट मैंड माने जाते हैं, किचन कैबिनेट के व्यक्ति माने जाते हैं राहुल गांधी के, उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। अब तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए बहुत मेरे ख्याल से बहुत निराशाजनक परिणाम है। निश्चित तौर पर कांग्रेस को इसको लेकर काफी मंथन करने की जरूरत है कि आखिर क्या वजह रह गई। कि देखिए, बात समझने की कोशिश हमको करनी चाहिए कि राजस्थान के अंदर जो अधिकतर जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे थे जिन जिन सीटों पर कांग्रेस के, वो वहां के मूल रहने वाले लोग हैं। भंवर जितेंद्र सिंह वहां के रॉयल फैमिली के व्यक्ति हैं, वहां से एमएलए रह चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, उनकी मदर एमएलए रह चुकी हैं, वो रक्षा राज्य मंत्री रह चुके हैं, काफी बड़ा वजन उनका रहा है, और उसके बावजूद भी वहां के लोगों को पोलराइज नहीं कर पाए, वोटों में तब्दील नहीं कर पाए। क्या वो सीमित रह गए कि मेवों के वोट, कुछ राजपूतों के वोट या परंपरागत एससी या कांग्रेस के वोट ही उनको मिल पाएंगे, और यही वजह थी कि उनको आज इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा कि स्टेट में उनकी सरकार है, उसके बावजूद लोगों में वो इकबाल कायम नहीं कर पा रहे हैं, मोदी जी आते हैं हवा को परिवर्तित कर जाते हैं और वो पूरा का पूरा पोलराइजेशन बीजेपी के पक्ष में चला जाता है। हम जैसे कि जानते हैं बालकनाथ जी कोई बहुत मंझे हुए पॉलिटिशियन नहीं है, इनके गुरु बाबा चांदनाथ जो थे वो आकस्मिक निधन के कारण उनकी डेथ हो गई, और उसका निधन होने के बाद में इनको यहाँ पर चुनाव लड़ाने के लिए लाया गया, और बाबा रामदेव के कुल से आते हैं अहीर ये खुद हैं, और बाबा रामदेव के कहा जाता है कि बाबा रामदेव का इसरार था जो उन्हें यहाँ से चुनाव लड़ाया गया, तो वो कोई भौगोलिक परिस्थिति को भी बहुत अच्छी तरह से समझने वाले व्यक्ति नहीं है खुद कैंडिडेट को। और वहाँ जाए देखा जाए तो भंवर जितेंद्र सिंह एक एक आदमी को, चाहे वो ग्रामीण का इलाका हो चाहे वो शहर का इलाका हो, एक एक व्यक्ति को पर्सनली जानते हैं। पर आखिरकार क्या वजह थी कि वो इतना घनिष्ठ संबंध रखने के बावजूद भी वोटों को तब्दील नहीं कर पाए, अपने संबंधों को वोटों में तब्दील नहीं कर पाए, तो ये देखने वाली बात है। जी राखी शंकर जी, पिछली बार मिशन 25 आपका कामयाब हुआ था, इस बार मिशन 25 के बिल्कुल आप मुहाने पे कगार पे पहुंच चुके हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए निश्चित रूप से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में भी अच्छे वोटों से जीतती, किंतु इनकी कांग्रेस की सरकार ने एक झूठ बोलो अभियान राजस्थान में चालू किया,
इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आए और झूठ बोलना उन्होंने शुरू किया। उन्होंने कहा हम किसानों की कर्ज माफी कर देंगे। इन्होंने सभी जातियों में जो मजबूत मजबूत जातियाँ थी राजस्थान की उनके सब में मुख्यमंत्री बांट दिए। इन्होंने इन्होंने कहा कि हम संविदा कर्मियों को परमानेंट कर देंगे। इन्होंने कहा कि शिक्षित बेरोजगारों को जो 30-35 लाख शिक्षित बेरोजगार राजस्थान में उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो राजस्थान की जनता को गुमराह करके इन्होंने वोट लिया, किंतु 5 ही महीने में पता चल गया गहलोत सरकार को कि उन्होंने जितना झूठ बोला उतना ही इनको नुकसान उठाना पड़ा है। दूसरी तरफ आप देखिए जिस प्रकार से यहाँ भामाशाह योजना को बंद करने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है, जिससे हजारों लाखों गरीबों को जो कभी ऐसे अच्छे अस्पताल की शक्ल भी नहीं देख पाते थे, कभी किसी घर के परिवार के बुजुर्ग के कोई बीमारी हो जाती थी तो वो सोचता था कि मैं अपने घर के परिवार के लोगों को नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर मैंने उनको बता दिया तो मेरे को कर्जा लेना पड़ेगा या जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। तो ऐसी अनेक जो ग्रामीणों को गरीबों को गणेश मान के जो योजनाएं चलाई गई थी उनको बंद करने का काम देख लीजिए, चाहे इनको मुख्यमंत्रियों के झूठ बोलने का काम देख लीजिए, चाहे किसानों के लिए कोई यूरिया के लिए तड़पना पड़ा, चाहे संविदा कर्मियों को हटाने का काम इनके द्वारा किया गया, तो ऐसे अनेकों मुद्दे। और दूसरी तरफ इनका ट्रैक रिकॉर्ड जब राजस्थान की जनता ने देखा कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा से खराब रहा है, और देश के प्रधानमंत्री जी का 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो बिना किसी छुट्टी बिना किसी हॉलीडे मनाए हुए उन्होंने देश की जनता के लिए मेहनत करी है। जो लोग ये कहते थे जब देश के प्रधानमंत्री विदेश जाते थे तो ये लोग कहते थे कि देश के प्रधानमंत्री विदेश क्यों जा रहे हैं, जब पुलवामा होता है तो पूरा विश्व देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा रहता है। इजराइल कहता है कि मैं देश के प्रधानमंत्री को देश को कि मैं भारत के साथ बिना समर्थन के साथ में खड़ा हूं। अमेरिका कहता है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। हो सकता है कभी पहले कल्पना भी की जा सकती है कि हमारे पायलट को 24 घंटे में छोड़ दिया जाए। तो जो मजबूत सरकार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने चलाई, जिस प्रकार से बेदाग छवि की सरकार चलाई, तो जनता को विश्वास हुआ, यहाँ देश के किसानों को विश्वास हुआ, युवाओं को विश्वास हुआ कि अगर इस देश का वापस इस देश को विश्व का गौरव कोई बना सकता है तो श्री नरेंद्र मोदी जी बना सकते हैं। चलिए संयोग आप क्या कहेंगे, कहां तक 349 पर एनडीए पहुंच चुका है? अब तो कहने के लिए कुछ काबिल छोड़ा ही नहीं जनता ने। जो जनता का फैसला है उसको ना हम नकार सकते हैं ना कोई और नकार सकता है, पर यह बिल्कुल सही बात है कि इस प्रचंड बहुमत की किसी ने भी पहले से एंटिसिपेशन नहीं करी थी। भाजपा को खुद को भी कतई इस बारे में उम्मीद नहीं थी कि वो इस लेवल पर जाकर के परफॉर्म कर पाएंगे और इतना बड़ा उन लोगों को बहुमत मिल पाएगा। अब निश्चित तौर पर जब बहुमत मिला है तो अब जनता की उम्मीदों पर खराबी उतरना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को, उनकी टीम को हिंदुस्तान का इकबाल कायम करने के लिए बहुत अहम रोल निभाना पड़ेगा। जैसा कि हमारे अतिथि बार बार ये कह रहे थे कि अमेरिका ने तारीफ करी, इसराइल ने तारीफ करी, तारीफें अपनी अपनी जगह पर सही हैं, पर उसका कोई अटमोस्ट रिजल्ट हमको नहीं मिला। अब वो रिजल्ट आने का समय है। मैं आपको बता दूं कनकमल कटारा भी जीत गए हैं बांसवाड़ा से। जी जी जी, एक सीट और भाजपा के खाते में चली गई है, काफी लीड बना रखी थी उन्होंने भी, वो जीत गए हैं। जी, मैं आपको एक बात फरमा रहा था कि अभी कुछ दिनों पहले हमने एक यूएई के कुछ देशों का दौरा किया। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी को लेकर के वहां की सरकारों में बहुत अच्छा एक अप्रोच था, लोकल जो लोग थे उनमें तो था ही था, पर अब उस अप्रोच को लेकर के नरेंद्र मोदी हमारी किस तरीके की व्यापार की नीतियां या किस तरीके से तेल की नीतियां कि हमको सस्ता तेल मिले या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमें और बड़ी ख्याति मिले, इकोनॉमिक अफेयर्स और अच्छे हों, इसको लेकर के अब बहुत बड़ी एक उम्मीद हिंदुस्तान के लोगों को है। क्योंकि आप समझिए जब व्यापार एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर व्यापार आपका अच्छा चलेगा, लोगों की आमदनी होगी, देश में खुशहाली आएगी, तो निश्चित तौर पर आपको उसका फायदा भी मिलेगा, सरकारों को फायदा भी मिलेगा। हम एक ही बार बार दोहरा नहीं सकते कि पाकिस्तान को हमने सबक सिखा दिया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, जो बदमाशी करती थी उनको ठोक पीट के बंद कर दिया। अब कुछ पॉजिटिव कामों को भी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द मॉनिटरी बेनिफिट उसको भी अब सरकारों को अंजाम देना पड़ेगा। जी राखी जी, चलिए मैं आपको एक बार बता दूं, राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष 4 बजे मीडिया से बात करेंगे, शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जनता को संबोधित करेंगे, हो सकता है मन की बात करें, धन्यवाद करें। तो अब जब नतीजे आने शुरू हो गए हैं उसके बाद सारी कवायद शुरू होगी, 26 मई को सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जाएगा।